अब हम अपनी अगली लैंग्वेज देखते हैं जो है हमारी बेसिक SIC। ये है बेसिक लैंग्वेज। हमारी बेसिक लैंग्वेज है उसकी फुल फॉर्म है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बेसिक लैंग्वेज 1964 में अमेरिका में बनाई गई थी और ये लैंग्वेज बहुत ही आसान थी, यानी कि इस लैंग्वेज को बनाया ही इसलिए गया था जिससे कि जिन लोगों को ज्यादा प्रोग्रामिंग नहीं आती है वो इस लैंग्वेज को सीख कर प्रोग्राम बना सके। बेसिक को सीखने के लिए कठिन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको सीखने की कोई जरूरत नहीं थी और ये एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। 1964 में USA में इसको बनाया गया था। बेसिक का एक छोटा सा प्रोग्राम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि बेसिक लैंग्वेज किस तरीके से लिखी जाती है। तो यहाँ पर मैंने एक बेसिक का सिंपल प्रोग्राम लिखा है। वो प्रोग्राम क्या है कि सम ऑफ 10 नंबर्स, यानी कि 10 नंबर हम लेंगे और उनका हम जोड़ करेंगे। तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या लिखा, हमने ये हमारा REM प्रोग्राम टू कंप्यूट और REM द सम ऑफ 10 नंबर्स, ये हमारा रिमार्क है। रिमार्क क्या है कि सिर्फ हम डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए इसको हमने यहाँ पर दिया है। जो एक्चुअल प्रोसेसिंग होनी है वो इस डाटा पर नहीं होना है, एक्चुअल प्रोसेसिंग हमारी यहाँ पर होना है। तो ये वाला हमने सिर्फ इसलिए दिया है कि हमें ये याद रहे कि हमारा जो प्रोग्राम है वो किस लिए बनाया गया है और उसको हम किस तरीके से यहाँ पर अपने प्रोग्राम में दिखाएं जिससे कि जब जब भी हम प्रोग्राम की कोडिंग देखें तो हमें पता चल जाए कि ये प्रोग्राम किस वजह से लिखा गया है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट और सेकंड लाइन में हमारा डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए है। सेकंड थर्ड लाइन अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक लेट है, एक फॉर है, एक रीड है, फिर लेट है, फिर नेक्स्ट है। तो ये जो हमारे कोड हैं जो हमने यहाँ लिखे हुए हैं इंग्लिश में वर्ड, तो ये जो है जितने भी ये क्या है, ये हमारे कीवर्ड हैं, यानी कि ये इसी प्रोग्राम में किसी पर्टिकुलर काम के लिए इस वर्ड को दिया गया है। जैसे रीड है एन, तो ये डाटा रीड करेगा। फॉर लूप के लिए फॉर यूज किया है। नेक्स्ट के लिए कि हमारा कंट्रोल नेक्स्ट में कहाँ जाए उसके लिए हमने आई यूज किया है। प्रिंट करने के लिए हमने प्रिंट का यूज किया है। डाटा लेने के लिए डाटा का यूज किया है। तो ये क्या, ये सारे कीवर्ड हैं। कीवर्ड क्या होते हैं, जो हमारे किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं उसी लैंग्वेज की कुछ फंक्शनिंग करने के लिए। फिर उसके बाद में हमारा यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ नंबर्स लिखे हैं। तो ये क्या है, ये सिंपल स्टेटमेंट नंबर हैं। ये जितने भी हैं ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इनको स्टेटमेंट नंबर कहते हैं। स्टेटमेंट नंबर ये सिर्फ हमारा स्टेटमेंट लिखने के लिए हम इसको देते हैं जिससे हमें पता चलता रहे कि हमारा कौन सा स्टेटमेंट चल रहा है। इससे हमें एक सीक्वेंस पता लगता रहता है कि हमारा प्रोग्राम नेक्स्ट स्टेप में कहाँ जाने वाला है। फिर यहाँ पर अगर आप देखें तो जो हमने एक्शन लेना है S इज इक्वल टू S प्लस N, यानी कि यहाँ पर हमारा जो कोई पहला वर्ड आएगा जो हमने यहाँ इनिशियलाइज किया है S इज इक्वल टू 0 को, उसके बाद में हमने फॉर लूप लगाया है 1 से लेकर 10 तक चलेगा और उसको डाटा रीड करेगा। फिर उसके बाद में उस डाटा को यहाँ पर जोड़ के S में स्टोर कर लेगा। अब S हो गया मान लीजिए 1 यहाँ पर, फिर उसके बाद में फिर यहाँ पर जोड़ेगा, अब S हो गया हमारा। तरीके से ये लूप चलता रहेगा और हमारा जो डाटा है वो हमने यहाँ से उठाया है कि 2, 4, 6, 8, 10 और फिर दूसरी लाइन में हमने दिया है डाटा 1, 3, 5, 7, 9, ये कुछ भी हो सकता है। ये तो मैंने सिर्फ एक समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया है। तो ये सारा डाटा एक एक कर कर हमारा उठाएगा, उसको ये जोड़ेगा और लास्ट में जो S में आंसर आएगा वो हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया है, जो हमारा S में टोटल जितना भी हमारे इन सारे नंबर्स का टोटल आया और उसको हमने यहाँ प्रिंट कराने से पहले हमारे डिस्प्ले पर शो होगा द सम ऑफ गिवन नंबर्स इज इक्वल टू जो भी हमारे नंबर का टोटल आएगा। मान लीजिए इसका हमारा आंसर 55 आता है
तो डिस्प्ले पे ये लिख देगा द सम ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल टू 55। तो ये बेसिक का एक छोटा सा प्रोग्राम है। ये जो प्रोग्राम बेसिक बनाया गया वो इसलिए बनाया गया था जिससे कि जो हाई स्कूल से और इंटर के जो बच्चे थे उन लोगों को प्रोग्रामिंग आसानी से सीख सके, कोई प्रोग्राम बना सके। और इसके बाद में हम अपनी नई लैंग्वेज ले लेते हैं सी, या सी प्लस प्लस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हमारी जो अगली लैंग्वेज है वो है सी। तो सी जो है वो एक एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि इसमें हम स्टेप बाय स्टेप अपना प्रोग्राम बना सकते हैं और इसको टुकड़ों में भी तोड़कर बना सकते हैं। लेकिन उसका भी एडवांस वर्जन जो है सी का वो है सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस में हमारा ऑब्जेक्ट और क्लासेस, पॉलीमॉर्फिज्म, इस तरह के फीचर्स, इनहेरिटेंस, इस तरह के फीचर्स उसमें और दे दिए गए हैं जिससे कि वो और ज्यादा एडवांस हो गई है। सी में एक नया फीचर दिया वो था हमारा प्रोसेसर रजिस्टर को मैनिपुलेट करने का, यानी कि प्रोसेसर के जो रजिस्टर हैं उनका हमें एक्सेस करना है। तो वो पावर है प्रोसेसर रजिस्टर्स को मैनिपुलेट करने की वो असेंबली लैंग्वेज में होती थी, तो वो वाली पावर और लैंग्वेजेस में नहीं थी, लेकिन ये चीज सी में दी गई। इसलिए ये सी जो है हमारी लैंग्वेज या उसी का एक्सटेंडेड वर्जन जो है वो सी प्लस प्लस है, वो सबसे ज्यादा पसंदीदा लैंग्वेज है हमारे प्रोग्रामर्स की। इसीलिए इस लैंग्वेज को कंपाइलर और ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहां पर मैं कोई इसका प्रोग्राम नहीं लिखने वाला क्योंकि मैं स्पेशली सी प्लस प्लस को आपको पढ़ाऊंगा अपनी आने वाली क्लासेस में। तो अभी फिलहाल हम सिर्फ ये जानेंगे कि एक अच्छी लैंग्वेज की क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। पहली खूबी होनी चाहिए एक अच्छी लैंग्वेज की, नंबर एक, सिंपलिसिटी। सिंपलिसिटी जो है, किसी भी लैंग्वेज को अगर सिंपल बनाया जाए और उसको इतनी आसानी से लोग समझ सकें तो वो लैंग्वेज ऑटोमेटिकली यूजर फ्रेंडली है, यानी कि वो सभी यूजर को आसानी से जब समझ में आ रही है कोई लैंग्वेज तो वो लैंग्वेज ज्यादा इस्तेमाल होगी। तो लैंग्वेज में इस तरह के सिंटैक्स नहीं रखे हैं जो कि हमारे जो प्रोग्रामर्स हैं वो उसको समझने में या उसको याद रखने में उनको परेशानी हो। दूसरी हमारी इसकी है एक प्रॉब्लम ओरिएंटेड, यानी कि जो हमारी लैंग्वेज है वो सारी इस तरीके की रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के हिसाब से डिजाइन की गई हो, उसमें इतना लचीलापन हो कि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम अगर हमारे सामने आती है रियल लाइफ की प्रोग्राम बनाने के लिए तो वो उसको आसानी से बना सके उस प्रोग्राम को। उसमें ऐसा ना हो कि हमारे प्रोग्रामर को परेशानी बहुत हो और वो उस प्रोग्राम को लिख ही ना पाए। तीसरी हमारी इसकी खूबी होनी चाहिए इफिशियंसी। किसी भी लैंग्वेज में इफिशियंसी होनी चाहिए जिससे कि वो आसानी से मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाए। चौथी खूबी होनी चाहिए स्ट्रक्चर्डनेस। स्ट्रक्चर्डनेस का यहां पर मतलब ये है कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर किसी प्रोग्राम को लिखने के लिए जरूरी सारे ही फीचर्स होने चाहिए जिससे कि वो प्रोग्राम लिख सकें। अगली है हमारी लोकेलिटी। तो प्रोग्राम हमारा एक ही बार में पूरा रन होना चाहिए एक ही मशीन पर और पूरा प्रोग्राम एक ही जगह पर बनना भी चाहिए। एक इसका फीचर है हमारा कॉम्पैक्टनेस, यानी कि जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें जो स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं वो बहुत लंबे नहीं होने चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि प्रोग्रामर उस लैंग्वेज को समझने में परेशानी पैदा होती है और प्रोग्राम इतनी आसानी से नहीं लिख पाते। नेक्स्ट है हमारा एक्सटेंसिबिलिटी। सब प्रोग्राम्स फंक्शन ये हमें प्रोग्राम हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्रोग्रामर को प्रोवाइड कराना चाहिए, क्योंकि कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कि बार बार यूज होते हैं, उन प्रोग्राम्स को उन फंक्शंस को उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होना चाहिए। तो यहाँ पर एक बार आया सब रूटीन। तो सब रूटीन क्या होता है? सब रूटीन सब प्रोग्राम और हमारा बिल्ट इन फंक्शंस,
ये सब रूटीन सब प्रोग्राम्स बिल्ट इन फंक्शन जो है ये हमारा जो लैंग्वेज प्रोवाइडर है जिसने लैंग्वेज बनाई है डेवलप की है वो कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन यानी कि जो पहले से बने हुए फंक्शंस हैं उन्हें हम बिल्ट इन फंक्शंस भी कहते हैं सब प्रोग्राम्स भी कहते हैं सब रूटीन्स भी कहते हैं वो हमारी लैंग्वेज में होना चाहिए जिससे कि हम वो फंक्शन जिनको हमें रिपीटेटिवली ज़रूरत पड़ती है बार बार कहीं पर ज़रूरत पड़ती है तो उसको हम वहाँ पर कॉल कर सकें अपने प्रोग्राम में। हाई लेवल लैंग्वेजेस में जो हमारी लैंग्वेजेस थी उसके बारे में हमने यहाँ पर इस वीडियो में बात की। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे टेस्टिंग और डीबगिंग क्या होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।